हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मशरूम में छिपा हुआ है पोषण का खजाना। आइए जानते हैं इसके फायदे कि मशरूम खाने से व्यक्ति को कितने सारे फायदे हो सकते हैं। यदि सब्जियों की बात की जाए तो मशरूम काफ़ी लोकप्रिय सब्जी मानी जाती है, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को सबको पसंद आती है। इसमें और सब्जियों की तुलना में अधिक पोषण तत्व पाए जाते हैं। मशरूम में लाइसिन नामक अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जबकि गेहूं, चावल आदि अनाजों में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यह अमीनो अम्ल मानव के संतुलित भोजन के लिए आवश्यक होता है। मशरूम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमें फ्री रेडिकल से बचाता है। यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है जो माइक्रोबियल और अन्य फंगल संक्रमण को ठीक करता है। आइए जान लेते हैं मशरूम के फायदे। पहला, यह ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी को नियंत्रित करने में बेहद ज़्यादा मददगार होता है। जो लोग इस बीमारी से परेशान हैं, उन्हें मशरूम का सेवन अवश्य करना चाहिए। आप मशरूम की सब्जी, मशरूम को तंदूरी करके खा सकते हैं। दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होने के कारण यह कब्ज, अपच, अति अम्लता सहित पेट के विभिन्न विकारों को दूर करता है। साथ ही शरीर में कोलेस्ट्रॉल एवं शर्करा के अवशोषण को कम करता है। तीसरा फायदा, मशरूम वह सब कुछ कर देगा जो डायबिटीज रोगी को चाहिए। इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होता है। इसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट और शुगर नहीं होती, जो डायबिटीज के रोगी के लिए जानलेवा होता है। यह शरीर में इंसुलिन का निर्माण करता है, तो डायबिटीज का व्यक्ति इसको खा सकता है। चौथा फायदा, इसमें लीन प्रोटीन होता है जो वजन घटाने में बड़ा कारगर होता है। मोटापा कम करने वालों को प्रोटीन डाइट पर रहने को बोला जाता है, जिसमें मशरूम खाना अच्छा माना जाता है। पांचवा फायदा, इसमें सोडियम सॉल्ट नहीं पाया जाता, जिस कारण मोटापे, गुर्दे तथा हृदयघात रोगियों के लिए आदर्श आहार है। यह हृदय रोगियों के लिए कोलेस्ट्रॉल, वसा एवं सोडियम सॉल्ट सबसे अधिक हानिकारक पदार्थ माने जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति हृदय रोगी हैं, उन्हें मशरूम जरूर खाना चाहिए। छठा फायदा, मशरूम में लोह तत्व यूं तो कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मौजूद होने के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखता है। इसमें बहुमूल्य फॉलिक एसिड की अधिक उपलब्धता होती है, जो केवल मांस खाद्य पदार्थों में पाई जाती है। लोह तत्व एवं फॉलिक एसिड के कारण यह रक्त की कमी का शिकार अधिकांश ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। इसलिए यदि आपको मशरूम की सब्जी पसंद नहीं है तो एक बार जरूर खा के देखें, इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे और ये बेहद स्वाद भी बनती है। इस मशरूम को लोग मिक्स वेज में यूज़ करते हैं, इसको तल के लोग खाते हैं, इसको तंदूर करके खाते हैं। यह कई प्रकार से खाई जा सकती है, जो कि हमारे सेहत के लिए बेहद ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।